स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। स्वाइन फ्लू को खत्म करने का सबसे नया फॉर्मूला मिल गया है। भारत के एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट ने तैयार किया है ऐसा कैप्सूल जिसमें है स्वाइन फ्लू के पूरे 90 दुश्मन। एक एक दुश्मन स्वाइन फ्लू को खत्म करने के लिए काफी है। आपको सिर्फ घर में बैठकर यह कैप्सूल खाना है और स्वाइन फ्लू की छुट्टी तय है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस चमत्कारी कैप्सूल में कोई केमिकल नहीं है। इस कैप्सूल में मिला है गाय का खास दूध। ये सफेद कैप्सूल स्वाइन फ्लू की छुट्टी कर सकता है, लेकिन इस रामबाण कैप्सूल का असली राज छुपा है इसके अंदर। इस कैप्सूल के अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके बावजूद ये स्वाइन फ्लू का दुश्मन है। सवाल उठता है कि आखिर इस छोटे से कैप्सूल में ऐसा क्या है कि ये स्वाइन फ्लू का विनाश कर देगा। इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। यही डॉक्टर विजय भटकर जिन्होंने देश को पहला सुपर कंप्यूटर परम दिया था। डॉक्टर विजय भटकर का दावा है कि ये कैप्सूल स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगा क्योंकि इसमें मिला है गौप्यूष। गौप्यूष यानी गाय का वो पहला दूध जो वो प्रसव के बाद देती है। डॉक्टर भटकर का दावा है कि गौप्यूष में 90 ऐसे घटक होते हैं जो स्वाइन फ्लू को भगा सकते हैं, यानी एक कैप्सूल में छिपे हैं स्वाइन फ्लू के 90 दुश्मन। बढ़ सकती है इसमें तो इसका इफेक्ट किया जाए। बाद में देखा गया कि ये गौप्यूष इन्फ्लुएंजा के बारे में, इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इलनेसेस ILI जो इफेक्ट रहे है उसमें काफी एकदम प्रभावी मानी गई है। तो ये स्वाइन फ्लू भी प्रभावी हो सकती है, वो हमारा दावा था। तो हमें उसी से फिर हमने ये कैसे तैयार किया जाए। इसे लेना भी बहुत आसान है। आपको सुबह, दोपहर और शाम बस एक एक कैप्सूल खाना है। बस ऐसे ही 10 दिन तक इस गौप्यूष वाले कैप्सूल को खाइए और स्वाइन फ्लू को हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। गौप्यूष का एक कैप्सूल सिर्फ स्वाइन फ्लू के खिलाफ ही नहीं बल्कि कई बड़ी बीमारियों में भी कारगर साबित हो चुका है। इस कैप्सूल की कामयाबी पर WHO भी अपनी मोहर लगा चुका है। ऐसे में डॉक्टर विजय भटकर और बाबा रामदेव जैसे आयुर्वेद के जानकारों के दिए उपाय ही स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है। कि गोपीयूष एक प्रतिबंधक, एक अत्यंत महत्वाचा प्रतिबंधक असू शकतो, त्याचमुळे गायीची वास्तव्य जगतात त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये आणि ती तिची प्रथा होती आपल्या इथे गोपीयूष प्राशन करण्याची प्रथा होती, मग ती पुढे लुप्त झाली। आणि आम्हाला ते सांगायचे गौकुलोत्सव जे इंग्रजीत म्हटला जातो आणि गोपीयूष ज्याला संस्कृत म्हटलं जातं त्याचं प्राशन केल्यामुळे होतं। या सर्व गोष्टीमध्ये ते इंटिग्रेटेड प्रोटोकॉल आम्ही तयार केला आहे। नमस्कार, मी ऋषी देसाई। स्वाइन फ्लू रोखण्यासाठी गोपीयूष आकार घेत हे औषध लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलंय। स्वाइन फ्लूमुळे सगळं जग धास्तावलंय, त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारचे वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत। हा आजार संसर्गिक असल्यानं स्वतःची काळजी घेणं हा उत्तम उपाय असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे। मात्र या आजारावर आयुर्वेदिक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न, स्वाइन फ्लूचा प्रतिकार करण्यासाठी गोपयुष हा उत्तम उपाय असल्याचा संस्थेचा दावा आहे। स्पेसिफिक अँटीबॉडीज आहेत, अनेक प्रकारचे ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत, ट्रान्सफर फॅक्टर्स आहेत, इम्युनोग्लोबिन्स आहेत, अशा प्रत्येकाचं काय काय ऍक्शन होत आहेत ते रिसर्च झालेलं आहे याच्यामध्ये। त्यामध्ये तुम्ही कॅन कम्पेअर टामी फ्लू आणि विथ दिस वन, इट इज जस्ट अँटीव्हायरल। यामध्ये दिस इज एनहान्सेस युअर एंटायर इम्युनिटी सिस्टम। गोपीयूष इन्फ्लुएंझा सारख्या आजारात गोपीयूष हे प्रभावी रसायन असल्याचंही तज्ञांचं म्हणणं आहे। आजार बरा होण्यासाठी तीन गोष्टी गरज असतात। एक म्हणजे स्वतःची प्रतिकार शक्ती आणि अवेलेबल मेडिसिन्स, या दोन गोष्टीच्या बरोबर मग इथं स्वतःची प्रतिकार शक्ती वाढवायसाठी गोपीयूषाचा उपयोग होईल। गोपीयूष सध्या गोळ्यांच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले। नमस्कार, मी जयराम, आपण पाहताय Zee24 तास बातम्या खास 24 तास। पुण्यात स्वाइन फ्लूनं पहिला बळी घेतला सुरुवातीला। या संदर्भातल्या बातम्या पाहूयात। पुण्यामध्ये सध्या एक पत्रकार परिषद सुरू आहे। पुण्यामध्ये स्वाइन फ्लू या रोगावर एक प्रभावी औषध, आयुर्वेदिक औषध शोधून काढण्यात आलंय। थेट आपण या पत्रकार परिषदेला जाऊयात। अशा प्रकारचे कॅप्सूल असतात त्या आणि इट लाईक ए मिल्क पावडर। नथिंग, मी सांगितल्याप्रमाणे दिस सपोर्ट समवे, बट इट इज बी GMP मॅन्युफॅक्चर इन द ब्रँड नेम ऑफ इम्युरिच इंटरनॅशनली ऑल्सो। त्याच्यामध्ये वॅक्सिन स्टडीज, वॅक्सिनचे आणि याचे जेव्हा कम्पॅरिझन करण्यात आली तर दिस इज शोन इन द रिसर्च स्टडीज जेव्हा थ्राइज मोर इफेक्टिव्ह
than the available vaccines right now, which are for different strains. तर अशा संदर्भात सुरू झाला खऱ्या अर्थाने मसाई बोथ वेज म्हणजे इट इज बोथ वेज इज अ मोर प्रिव्हेंटिव्ह मोर प्रिव्हेंट झाल्यानंतर त्या इट इज सप्लिमेंट मी सांगतो की वी आर नॉट सेईंग दॅट इज आईस इज इन ऍडिशन टू दिस वन बिकॉज दिस वन प्रोसेस विल ऍक्सिलरेट अँड हॅज रिकव्हरी ईच इज केस हॅज टू बी सीन अँड पर्टिक्युलरली फॉर द चिल्ड्रेन द ससेप्टेबल ग्रुप ऑफ रांगा लावल्या होत्या. दरम्यान स्वाईन फ्लूवर आयुर्वेदात प्रतिबंधात्मक उपचार असल्याचा दावा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ केंद्रानं केला आहे. पुणे में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए स्वाइन फ्लू का खौफ पसरा है तो यहाँ की इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ के डॉक्टरों का दावा है कि उसके पास स्वाइन फ्लू पर रोक लगाने की दवा मौजूद है. संस्था के डॉक्टरों के मुताबिक उनके संस्थान ने गाय के पहले दूध से ही एक ऐसी दवा बनाई है जो H1N1 वायरस पर लगाम लगाने में कारगर है. 7000 टेस्ट हुए, 7000 रोगों के पैदू पे लास्ट 18 महीने में उसमें काम चल रहा है. इसमें उसमें से जो 20% जो थे वो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन और इलनेसेस के बारे में था और हमारे जो रिजल्ट्स उसमें आए एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो सामने आया उसमें बहुत ही इफेक्टिव माना गया. इंस्टीट्यूट का कहना है कि संस्थान ने जो दवा तैयार की है उसे FDA की मान्यता प्राप्त है. FDA ने स्वाइन फ्लू में इस दवा